आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में वन मैसेज सेंड, टू मैसेज सेंड। अभी आप देखेंगे 2 मिनट के बाद मुझे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे सारे। देख सकते हैं आप मुझे नोटिफिकेशन आने चालू हो गए हैं, इसका मतलब ये कि SMS रिसीव होना शुरू हो चुके हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेकी 19। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप SMS बॉम्बिंग कर सकते हो। जी हाँ, SMS बॉम्बिंग हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप मिस कॉल बॉम्बिंग कर सकते हो। तो आप पहले समझ लीजिए कि बॉम्बिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। बॉम्बिंग मतलब ये है कि किसी भी डिवाइस पे बॉम्बिंग करना, मतलब मल्टीपल टाइम्स कनेक्शन बनाना। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर में एक एप्लीकेशन होता है जो बार बार विक्टिम के फ़ोन पर मिस कॉल देता है, तो ऐसे करके आप फ्रेंड के साथ प्रैंक कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने फ्रेंड को बार बार SMS भेज सकते हो जिसमें आपको उसको मल्टीपल SMS जाएंगे, जिसमें उसको कुछ OTP जाएंगे। तो ये प्रैंक बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आपने मिस कॉल बॉम्बिंग वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हम आ गए डिवाइस की तरफ में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है बॉम्ब इट अप। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको UI दिखेगा जिसके अंदर आपको सिंपली विक्टिम का मोबाइल नंबर डालना है और क्लिक करना है बॉम्ब्ड इट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे विक्टिम के फ़ोन पे मल्टीपल SMS जाएंगे जिसमें कुछ OTPs होंगे जो कि कुछ अलग अलग एप्लीकेशंस के होंगे। देखते हैं ये एप्लीकेशन कैसे काम कर सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि ये जो वीडियो बन रहा है ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ, इसका प्लीज़ आप मिसयूज़ ना करें। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ खुद का मोबाइल नंबर, तो देखते हैं कि अगर खुद का मैं मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ तो क्या मुझे खुद को SMS आते हैं। तो हम लोग ट्राई करने वाले हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। तो मैंने यहाँ खुद का मोबाइल नंबर एंटर कर दिया हुआ है, अब मैं यहाँ क्लिक करने वाला हूँ बॉम्ब इट। तो आगे क्लिक करने के पहले आपको यहाँ काउंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली काउंट डालना है कि कितने SMS आपको वहाँ ड्रॉप करना है, 5, 10, 15, 20 कितने SMS आपको सामने वाले विक्टिम के फ़ोन में ड्रॉप करना है। तो मैं अपने कितने डालता हूँ 10। अब डालने के बाद में आपको सिंपली क्लिक करना है बॉम्ब इट। ये पहले नंबर वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद ये SMS भेजना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में वन मैसेज सेंड, टू मैसेज सेंड। अभी आप देखेंगे 2 मिनट के बाद मुझे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे सारे। देख सकते हैं आप मुझे नोटिफिकेशन आने चालू हो गए हैं, इसका मतलब ये कि SMS रिसीव होना शुरू हो चुके हैं। ये एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है बीच में एप्लीकेशन के अंदर से, तो अगर आप इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है जिसके अंदर में आप अपने एप्लीकेशन के एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये एड को मैं स्किप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो SMS जा चुके हैं हमारे सारे, यहाँ लिखा हुआ है 10 SMS सेंड सक्सेसफुली। अब देखते हैं हमें SMS आया या नहीं आया, तो देख सकते हैं हम कितने SMS यहाँ आए हुए हैं, मैं चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे अपोलो कस्टमर से कुछ से भी वन टाइम पासवर्ड आया हुआ है। आप देख सकते हैं कितने सारे SMS आए हुए हैं, यहाँ पर Lenskart से आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, तो ऐसे कई सारे आपको मल्टीपल OTPs देखिए कितने सारे Lenskart से मैसेज आए हुए हैं। तो मल्टीपल आपके SMS जो है जनरेट यहाँ पे हो जाएंगे। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन का मोटिव बस यही है कि विक्टिम के फ़ोन पे बार बार SMS भेज के उसको परेशान करना। तो ये प्रैंक आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। ये फ़ोन में नंबर में मैंने अपना डाला था, लेकिन आप फ़ोन नंबर की जगह अपना किसी के भी फ्रेंड का नंबर डाल के
चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।